मैं विपुल पटेल एक बार फिर आप लोगों के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और आइए, इस समय मैं कुशीनगर में हूँ। कुशीनगर एक बुद्ध स्थली है, ये एक घूमने का जगह है। और हम यही चाहेंगे जो कोई भी आए कि हमारे कुशीनगर को पूरा घूम के जाए। ये देखिए, कुशीनगर में नौका विहार बन चुका है। यहाँ पे जो है ये बच्चों के खेलने का क्रीड़ा पार्क बन चुका है। ये देखिए, आप इधर फोकस करिए, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का खेलने का पार्क है। झूला है यहाँ पे, सरकने वाला बना है और एक शानदार ऊपर लाइट भी लगा हुआ है। रात में भी आप यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है कुशीनगर को। और अब हम यही कहेंगे कि जो कोई भी यहाँ पे आए एक बार इसको देखे, देखने के लिए ज़रूर आए। और रामभार स्तूप के बगल में खड़े हैं, ये बगल में आपका रामभार स्तूप है। ये बहुत ही पुराना है, ये कहा जाता है कि बुद्ध की निर्वाण स्थली है यहाँ पे, इसीलिए ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो भी पर्यटक आते हैं घूमने, यहाँ पे ज़रूर घूमने आते हैं। और इसके ठीक बगल में सटे, यही बाउंड्री इसकी है, इसी बाउंड्री के ठीक सटे में और नॉर्थ साइड में, ये देखिए बच्चों का खेलने का जगह है। ये छोटे छोटे बच्चे झूला झूल रहे हैं यहाँ पे, देखिए कितना बेहतरीन खेलने का जगह है बच्चों के लिए। ये कहा जाए तो एक अच्छा एक्सरसाइज का ये एक जरिया भी है, जहाँ बच्चे आके बच्चों का एक्सरसाइज हो सकता है। और बगल में देखिए, ये मियावाकी वन क्षेत्र है यहाँ पे, ये बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, ये सफाई का काम हो रहा है। और इसको भी सुंदरीकरण में आ गया है, ये भी बहुत तेज़ी से सुंदरीकरण हो रहा है। और ये देखिए नौका बिहार का, ये हमारा जो बोट है, ये बोट ये भाई सब तैयार कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। बारिश की वजह से ये बंद था, अभी ये बारिश की वजह से बंद था। ये इनके मालिक हैं और ये खुद चलवाते हैं। और देखिए कितना बेहतरीन और साफ किए हैं इसको, अभी बारिश की वजह से बंद था ये। और इनसे मिलना चाहते हैं, आइए थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। आप, ये बोट आपका है? जी जी बताइए। अच्छा, आप ये खुद ना करवाते हैं? हाँ जी। तो क्या इसका पैसा भी लेते हैं आप? हाँ, 80 रुपये इसका है। 80 रुपये लेते हैं एक लोगों का? नहीं, चार लोगों का। चार लोगों का, ये चार लोगों का 80 रुपये लेते हैं। और ये चलवाते हैं बोट्स, अभी जो बगल में हिरावती नदी है वहाँ पे, एक आदमी का 20 रुपये लेते हैं, जैसा कि बता रहे हैं। क्या नाम है आपके साथ? इंद्रजीत कुशवाहा। इंद्रजीत कुशवाहा, इनका नाम इंद्रजीत कुशवाहा है। चलिए, अच्छा लगा मिलकर आपसे। ये हमारा ये हिरावती नदी है, देखिए ये इधर से बहते हुए आ रही है, और इसको हम लोग हिरावती के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी फेमस नदी है जो कुशीनगर में बहते हुए आ रही है। और इसी में हमारा ये नौका बिहार का कार्यक्रम शुरू हो गया है। और ये दो दो बोट लगा हुआ है यहाँ पे, एक ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का है। अभी बारिश की वजह से बंद है। और आइए दिखाते हैं, बोट में पानी लगा हुआ है। ये देखिए, बोट में पानी भरा हुआ है, इसी के वजह से अभी ये नौका बिहार बंद चल रहा है। जैसे ही बारिश बंद होगा, इसके बाद ही फिर शुरू हो जाएगा। चल देखिए कितना सुंदर ये पेड़ लगा हुआ है, ये बहुत ही बेहतरीन सुंदरीकरण बनाया गया है इसको, ऊपर से कितना अच्छा इसको सजाया गया है। और ये देखिए भगवान बुद्ध की फ़ोटो भी लगी हुई है। और जब हम लोग फोकस करते हैं नदी पे, देखिए ये नदी पे कितना शानदार नदी की पानी बह रहा है। और ये आगे एक तो पुल बनाया गया है जिस पर लिखा गया है हिरावती नौका बिहार, इसको हम लोग हिरावती नौका बिहार के नाम से जाना है। जो पुल पर लिखा हुआ है इसको जूम करके दिखाइए प्लीज़। ये देखिए लिखा हुआ है हिरावती नौका बिहार। इधर देखिए, इधर सफाई का काम लगातार शुरू हो रहा है, सुंदरीकरण में आ गया है पूरा, ये बहुत ही बेहतरीन बन गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आइए एक बार कुशीनगर घूमने ज़रूर आइए, और कुशीनगर में हिरावती नौका बिहार पे ज़रूर आइए। ये हिरावती नौका बिहार का टिकट काउंटर है, जहाँ पे 20 रुपया प्रति लोगों का लगता है नौका बिहार में। ये देखिए कि यहाँ पर बोट खड़ी हुई है जो ग्रीन कलर की है। ये बारिश कैसे बन जा रही, आवाज आ रही है मेरी? सुंदरीक्रम देखिए, ये पेड़ बनाया गया है, ये पेड़ लगाया जा रहा है जगह जगह, इसको इतना बेहतरीन बनाया जा रहा है नौका बिहार को, कि इतना शानदार दिखाई दे रहा है यहाँ पे नौका बिहार। ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब भी यहाँ पे आएँ एक बार ज़रूर घूमने के लिए आएँ। देखिए कितना शानदार है नौका बिहार का, ये नीचे पूरा ये पत्थर लगाया गया है चलने के लिए, और ये लोग लगातार आ रहे हैं यहाँ पे घूमने। देखिए ये भी मंदिर है, ये भी मंदिर है, इसके बगल में भी मंदिर है। इसको कितना अच्छा टाइल्स और संगमरमर से बना दिया गया है। यहाँ पे लोग लगातार आते हैं और अपना एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस तरह के और ये वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँगा। थैंक यू।